हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लॉजिकल केमिस्ट्री वाला में। आज मैं फिर लेकर आया हूँ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है केमिस्ट्री सब्जेक्ट में, और इस टॉपिक में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है, जैसे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, एस्टर, एमीन, बहुत सारे। इस टॉपिक को कराने से पहले मैं इस टॉपिक के कुछ रूल बता देता हूं। पहला रूल होता है हमारा मेन चेन। मेन चेन का मतलब यह है हम वो चेन चूज करेंगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज्यादा हो। उस चेन जब वो चेन होती है वो होता है मेन चेन। जैसे एग्जाम्पल ले लो CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 कार्बन चेन कितनी भी बना सकते हैं हम। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट दोनों बराबर है। मान लो अगर यहां पर एक और कार्बन जुड़ जाता है, ये 9 हो गया, ये 8 है, तो हम वो चेन चूज करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे, उसको कहते हैं मेन चेन। और जो ये बच जाता है, जो हम चूज करते हैं मेन से, उसको कहते हैं साइड चेन। क्या कहते हैं उसको? साइड चेन। साइड चेन भी मैं बताऊंगा कौन कौन से होते हैं, ये आगे बच्चों समझ में। फिर इसके बाद आता है हमारा नंबरिंग। नंबरिंग हम वहां से करते हैं उस मेन चेन में जहां से फंक्शनल ग्रुप साइड चेन पास करती हो। एग्जाम्पल देख लो इसका, सबसे पहला मेन चेन चूज करेंगे, ये हमारी मेन चेन, तो नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, यहां 7 आ रहा है, यहां है 6 आ रहा है। अब नंबरिंग की बात करते हैं, अगर हम यहां से नंबरिंग करते हैं तो ये साइड चेन 1 2 3 4 5, 5 नंबर पोजीशन पर है। अब यहां से अगर 1 2 3, ये 3 पोजीशन पर है, तो नंबरिंग हम यहां से 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबरिंग करना सीख गए। फिर इसके बाद आता है अगर कोई फंक्शनल ग्रुप या साइड चेन 2 बार 3 बार या 4 बार आ जाता है एक ही कंपाउंड में, या जो हमें चेन दी जाती है उसमें, तो 2 आने पर हम डाई लगाएंगे, 3 आने पर हम ट्राई लगाएंगे, और 4 आने पर हम टेट्रा लगाएंगे। हमारी जो साइड चेन होती है एक कार्बन की, CH3 C2H5 C3H7 C4H9 C5H11
C6 H13 C7 H15 C8 H17 C9 H19 C10 H21 इसको कहते हैं मैथ ई प्रॉप ब्यूट पैंट हैग्स हैप ऑफ नॉन डेक। इसी तरह हम 11 अगर कार बना जाता है C11S23 तो ये हो जाएगा वन डेक। C12S25 ये हो जाएगा टू डेक। अब साइड चेन बिल्कुल सेम टू सेम है। अगर एक इथाइल ग्रुप आ जाता है जैसे ये आ गया मिथाइल हो जाएगा C2H5। दो कार्बन की चेन आ जाती है इथाइल हो जाएगा। तीन कार्बन की चेन आती है प्रोपाइल हो जाएगा। चार कार्बन की चेन आ जाती है तो ब्यूटाइल हो जाएगा। इसी तरीके आगे तक चलते रहते हैं। वैसे ज्यादातर आपको 15 कार्बन तक दे देगा या 17, इससे ज्यादा नहीं देनेगा। आइए बच्चों समझ में। सबसे पहले मेन चेन चूज करेंगे अगर आपको कोई फंक्शनल आईबीएससी दिए गए हैं। फिर उसके बाद नंबरिंग करें, नंबरिंग हम वहां से करें जहां से हम साइड चेन और फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता हो। तीसरी बात, अगर दो या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप या साइड चेन आ जाती है तो दो पे डाई लगाएंगे, तीन पे ट्राई लगाएंगे, चार पे टेट्रल लगाएंगे। और साइड चेन और मेन चेन में जो कार्बन होते हैं मिथेन, अगर मेन चेन की बात करते हैं अगर 7 आ गए तो यहाँ हेप्टेन हो जाएगा। 7 कार्बन का हेप्टेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड चल रहा है तो यहाँ पे एन आएगा सरफेस हेप प्लस एन हेप्टेन। और साइड चेन की बात करते हैं अगर जैसे ये आ गया, अगर हम साइड चेन का नाम लिख रहे हैं तो हम लिखे मिथाइल। अगर दो कार्बन की चेन आ जाती जैसे यहाँ पर मान लो यहाँ आया CH2 CH3 दो कार्बन की चेन तो ये हो गया इथाइल। साइड चेन में हम YL लगाएंगे और मेन चेन में जो कार्बन के नंबर होते हैं नेम लिखेंगे वो एल्केन में से फंक्शनल ग्रुप का नेम लगाएंगे सरफिक्स। जैसे सिंगल बॉन्ड का सरफिक्स होता है एन, तो एल्केन में से हम एन हटा देंगे तो एल्केन और एन को जोड़ देंगे तो क्या हो गया एल्केन। अगर डबल बॉन्ड आ जाता है, डबल बॉन्ड होता है इन, तो एल्केन में से एन हटाकर इन जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा एल्कीन। तो ठीक, जितने भी फंक्शनल ग्रुप आते हैं हमारे उनके सर्फिक्स एल्केन में से एन हटा के जोड़ देंगे वो ही उसका रूप बन जाएगा, फॉर्म आ जाएगी। जैसे एल्केन में से एन हटा एन जोड़ दिया एल्कीन, एन हटा के इन जोड़ दिया एल्कीन। और ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो एल्केन में से एन हटा के एन जोड़ देते हैं एल्काइन बन जाएगा। ठीक है बच्चों, आया समझे उतार दो। बच्चों तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप लेके चलते हैं हम सिंगल बॉन्ड। परफिक्स हो जाएगा एल्केन, सरफिक्स हो जाएगा इन।
इन क्वेश्चन को एग्जाम्पल से समझो। मेरा पहला रूल था कि हम वो चेन को चूज करें जिसमें नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज्यादा हो। अगर हम इस सीधी स्ट्रेट लाइन को चूज करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हैं, और हम ये चूज करते हैं ये वाली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां पर नंबर ऑफ कार्बन 9 है, और अगर हम ये चूज करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो इस चेन में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है, तो यही राइट चेन होगी। आगे बात समझ में। फिर उसके बाद जो बाहर निकल जाते हैं ये साइड चेन्स है, मेन चेन से जो बाहर हो जाते हैं वे कहलाते हैं साइड चेन। दूसरा रूल होता है नंबरिंग हम कहां से करेंगे। मैंने ये बताया था कि नंबर हम वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से साइड चेन और फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता हो। अगर हम यहां से स्टार्ट करते 1 2 3 4 5 6 यहां पर 6 पोजीशन पर हमारा मिथाइल ग्रुप है 1 2 3, और यहां से हमें 3 पर पोजीशन पर हमें मिल रहा है मिथाइल। तो सबसे अच्छा तरीका यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आगे बच्चों समझे। फिर इसके बाद सबसे पहले हम नेम लिखते हैं साइड चेन्स का। एक कार्बन है मैथ होगा, और साइड चेन का नेम है तो वाई एल लगा दो, क्या मिथाइल। अब इनकी पोजीशन लिखनी जरूरी है, तो कौन सी पोजीशन पर है 3 अरे 5, तो हमारा हो जाएगा 3.5। अब देखो मैंने क्या कहा था, तीसरा रोल हम मेरा था जब कोई फंक्शनल ग्रुप दो या दो से अधिक बार आता है तो हम उसी के अकॉर्डिंग डाई ट्राई टेट्रा लगाते हैं। ये दो बार आ गया मिथाइल ग्रुप मैथ, तो हम यहां पर लगाएंगे डाई मिथाइल 3.5 डाई मिथाइल। अब हम लिखेंगे कि चेन में फंक्शनल ग्रुप है, हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या चल रहा है सिंगल बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड, अब इसके बाद फंक्शनल ग्रुप का नेम हम बाद में लिखेंगे, पहले नंबर ऑफ कार्बन का लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 कार्बन का हमारा होता है अप, सॉरी डेट डेट ए, या तो अलग अलग लिख सकते हो या फिर एक साल डेक एन। आगे बात समझ। एक और एग्जाम्पल ले लो, पहला रूल सबसे पहले हम वो चेन चूज करेंगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज्यादा हो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, दोनों ही कंडीशन पे इक्वल है, तो कोई सी भी चेन चूज कर लो, या ये वाले कर लो या ये वाले कर लो, कोई सी भी चूज। अब बात आती है नंबरिंग की, नंबरिंग हमें वहां से करनी है जहां से साइड चेन्स और फंक्शनल ग्रुप पास करते हैं, तो साइड चेन 1 2 3 1 2 3 4 5 इस यहां से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग,
तो साइड चेन फाइव पोजिशन पर पड़ेगी, यहां से स्टार्ट करेंगे तो यहां से थ्री पोजिशन पर पड़ेगी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। सबसे पहले हम साइड चेन का नाम लिखते हैं, वन टू थ्री थ्री, कितने कार्बन है, वन टू, टू कार्बन का साइड चेन में क्या ई, और वायर लगा दो क्या होगा थ्री इथाइल, क्या होगा थ्री इथाइल। अब सिंगल बॉन्ड है इसमें फंक्शनल ग्रुप, तो उसका नेम बाद में लिखेंगे, जैसे ये लिखा था सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन लिखे, कितने कार्बन सेवन, तो सेवन कार्बन का क्या होता है हेप, और सिंगल बॉन्ड हमारा तो हेप टेन। आगे बात समझ बच्चों, उतार लो। उतार लो बच्चों, और एग्जाम्पल देखो, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले, या बहुत सारे एल्काइल ग्रुप, पहला रूल हमारा सबसे पहले हम वो चेन चूज करें जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो, वन टू थ्री फोर फाइव, पहली चेन के फाइव कार्बन आ रहे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यहां सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो सबसे ज्यादा कार्बन इस चेन में आ रहे। दूसरा रूल ये होता है हमें नंबरिंग वहां से करनी है जहां से साइड चेन और फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री, यहां थ्री पोजीशन पर पड़ रहा है और यहां पर फोर पोजीशन पर, तो नंबरिंग हम यहां से करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। सबसे पहले हम, अब देखो दो साइड चेन है, तो मैंने क्या बताया था, जब दो साइड चेन आती है तो हम टू को डाई लिखते हैं, और तीन बार आती है ट्राई लिखेंगे, और चार बार आती है तो टेट्रा लिखेंगे। तो सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखते हैं, पोजीशन क्या होगी थ्री कोमा फोर डाई, दो कार्बन की चेन है तो ये हो जाए ईथ, ईथ का मतलब इथाइल, फिर लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन तो कितने हैं सेवन, तो ये हो जाएगा सेवन का हेप, सिंगल बॉन्ड हमारा फंक्शनल ग्रुप है तो एन, थ्री कॉमा फोर डाई इथाइल हेप्टेन। दूसरा एग्जाम्पल दे उसका, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, सॉरी चेन चूज करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, तो ये वाली हमारी मेन चेन हो गई, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया, सॉरी साइड चेन हो गई। हमारा फंक्शनल ग्रुप तो सिंगल बॉन्ड चल रहा है, सिंगल बॉन्ड ही मिलेंगे, और सबसे पहले हम नाम लिखेंगे, नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग देखो वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव,
दोनों तरफ से इक्वल है, कहीं से भी नंबरिंग कर लो। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 5 तीन कार्बन की होगी प्रोप, और साइड चेन नाम है प्रोपाइल, तो ये हो गया 5 प्रोपाइल, 9 का नॉन नेन, 5 प्रोपाइल नॉन नेन। आगे बात समझ बच्चों, उतार लो बच्चों। इसके बाद हमारा सेकेंड फंक्शनल ग्रुप आता है डबल बॉन्ड, कौन सा डबल बॉन्ड, परफिक्स हमारा एल्केन होगा, सरफिक्स हमारा ईन। तो हम क्या करेंगे, एल्केन में से ईन हटाकर ईन ऐड कर देंगे, तो हमारा बन जाएगा एल्कीन। क्या बनेगा, एल्कीन। एग्जाम्पल देखो, आइड को डबल बॉन्ड, तो सबसे पहले हम मेन चेन चूज करें, नंबर ऑफ कार्बन, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये हमारी हो गई मेन चेन। अब नंबर हम कहां से करें, जहां से फंक्शनल ग्रुप और साइड चेन पास पड़ता हो, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, कहीं से भी कर लो। वैसे हम नंबर यहां से करेंगे, क्योंकि फंक्शन ग्रुप हमारा इन है और ये मैथ है, तो यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सबसे पहले साइड चेन का नाम 6 पोजीशन पर है, तो मैथ होगा मिथाइल हो जाएगा। कितने कार्बन है, 9 कार्बन का नॉन, 15 ग्रुप का नेम किस पोजीशन पे, 4 इन, 6 मिथाइल नॉन 4 इन, या तो हम ऐसे करते हैं 6 मिथाइल 4 इन नॉन, सही बच्चों। इसका एक और एग्जांपल देखो, जो दिखने से पता चलता है इस नंबर, ये वाली चेन में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, दोनों बराबर है, कोई से भी चूज करो। नंबर हम कहां से, 1, 2, 3, 4, क्योंकि मैंने क्या बताया था, हमें वो साइड चूज करनी है नंबरिंग के लिए जहां से साइड चेंज और फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो नंबर ही हमने सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखेंगे, कितनी पोजीशन में 3, कौन सा 2 कार्बन की है, तो ना इसका मैं इथाइल, 3 इथाइल, कितने कार्बन है नॉन, या फिर ये लिखो 4, फंक्शन 4, 6 डाई इन, 4, 6 डाई इन, कितने कार्बन नॉन, आइए बच्चों समझ गए, बताओ।
उतार ले बच्चों। ये हमारा कोई कंपाउंड है और इसमें सबसे पहले हमें वो चेन यूज करनी है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तो ये वाली हमारी चेन ज्यादा कार्बन की है तो हम इसको चूज कर रहे हैं। जो बाहर निकल गए ये हो गए साइड चेंज। नंबरिंग हम वहां से करें जहां से फंक्शन ग्रुप पास पड़ता और साइड चेंज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो यहां से फंक्शन ग्रुप पास पड़ रहा है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 इधर से हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सबसे पहले साइड चेन का नाम दो कार्बन इथाइल, दो कार्बन इथाइल दो बार आ गए और यहाँ पर है हमारा मिथाइल। तो साइड चेन में क्या होता है, यहाँ भी इथाइल यहाँ पर भी इथाइल ये भी ये मिथाइल। जब अलग अलग साइड चेन आ जाती है तो वहां पर हम रूल लगाते हैं अल्फाबेटिंग। कौन सा रूल? अल्फाबेटिंग। ये इथाइल है ये मिथाइल, तो सबसे पहले कौन सा अल्फाबेट आता है, इथाइल आता है या मिथाइल? इथाइल आता है ना, तो सबसे पहले इथाइल का नेम लिखेंगे 4.6 दो बार है इथाइल किस पोजिशन 9 मिथाइल। फंक्शनल ग्रुप हमारा 1 2 3 तीन फंक्शनल ग्रुप है 6 पोजिशन 7 8 पर, क्योंकि हम सिर्फ आगे वाला जहां से नंबरिंग करते हैं आगे वाला ही कार्बन देंगे, पीछे वाले से नहीं आगे वाले से जुड़ा होता है। तो 6.7.8 तीन फंक्शनल ग्रुप है तो ट्राई आ जाएगा ट्राइईन। कितने कार्बन है 13 तो 3 डेड। आ जाओ बच्चों तो 4.6 डाइइथाइल 9 मिथाइल 6.7.8 ट्राइईन 3 डेड। आइए बच्चों इसका एक और एग्जाम्पल लेते हम बहुत ही अच्छा सा। आपको एक बात में कंफ्यूजन होगी, ये जो हाइड्रोजन निकल रहे हैं ये हमारे फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कोई सॉरी ये साइड चेन नहीं, साइड चेन उसको कहते हैं जिसमें कार्बन हो।
लेकिन इसमें कार्बन नहीं है, तो ये साइड चेन सिर्फ ओपन करके लिखा है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं हम CH2, यहां पर एच आएगा CH, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कभी कंफ्यूजन हो जाए। तो नंबरिंग सबसे पहले चेन चूज करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कोई से भी कर लो। अब नंबरिंग की बात आती है 1 2 3 4, फोर पोजिशन पर डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 4 पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबसे पहले हमारे साइड चेन आए इथाइल, ये नहीं हमारे साइड चेन, तो इसमें तो कार्बन है नहीं, यहाँ पर है 1 2 2 कार्बन की इथाइल हो गई है। तो सबसे पहले इसका नाम लिखे 3-ethyl। फिर आती है फंक्शनल ग्रुप, हमारा फंक्शनल डबल बॉन्ड 1 2 किस किस पर, 4 और 6, 4.6 टाइइन, कितने कार्बन डेक, 3-ethyl-4-diindec। आगे बच्चो उतार दो, बच्चों मेरी जो मैं जो वीडियो बनाता हूं उम्मीद करता हूं आप सबको अच्छी लगती है, तो प्लीज मेरे वीडियो को शेयर करो, लाइक करो एंड कमेंट करो, और इसके साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।